हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हरविंदर सिंह एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल सपोर्ट फॉर एजुकेशन। अते इस वीडियो विच असी करांगे पीएसईबी क्लास 12th इंग्लिश द फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है हसन्स अटेंडेंस प्रॉब्लम। इस चैप्टर दे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। दोस्तों ध्यान रखो कि इस वीडियो विच असी इस चैप्टर दे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर किते हन, पर जे आप सारे ने साडे नाल इस चैप्टर की समरी करनी है या लोंग क्वेश्चन आंसर करने हैं, तो असी उन्हां दी अलग तो वीडियोस बनाईयां हन जिन्हां दे लिंक थले डिस्क्रिप्शन बॉक्स विच दिते गए हन। तो पाठ की पूरी तरह तैयारी लिए आप सारे विद्यार्थी उन्होंने वीडियोस में भी जरूर देखो। तो जे अजे तक आप सारे ने यूट्यूब चैनल सपोर्ट फॉर एजुकेशन सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल में सबसक्राइब जरूर करो, ताकि नवी वीडियोस आप सारे समय से प्राप्त हो सकन। आओ शुरू करते हैं। तो सब तो पहला क्वेश्चन है, वट इज़ द नरेटर्स प्रोफेशन। वही नरेटर लेखक का की प्रोफेशन है? तो इस पाठ के लेखक हैं सुधा मूर्ति जी। तो इसका आंसर है, द नरेटर वॉज अ कंप्यूटर साइंस टीचर एट अ कॉलेज। नरेटर एक कॉलेज विच कंप्यूटर साइंस के टीचर सी। Why was Hasan not noticed by the teacher in the class? क्लास विच हसन नो टीचर ने नोटिस क्यों नहीं सी किता? Hasan was not noticed by the teacher because he was hardly ever present in the class. टीचर ने क्लास विच हसन नो नोटिस नहीं सी किता क्योंकि वो कदे कदे ही प्रेजेंट हुंदा सीगा, या मसा ही क्लास विच कदे प्रेजेंट हुंदा सीगा। Why would the narrator render attendance to Hasan every time? वी नरेटर है हर बार हसन को अटेंडेंस क्यों दे दें दी सी? Hasan would beg for attendance in such a manner that the narrator could not say no. She did not wanted that attendance shortage should affect his appearance in final examination. हसन इस तरह अटेंडेंस वास्ते बैग करदा भी नरेटर वास्ते मना करना बहुत ही औखा हो जाता, तो नरेटर यह भी नहीं चाहती सी वी फाइनल कि अटेंडेंस शॉर्टेज करके वो फाइनल एग्जाम्स ना दे पावे, इस करके उसको अटेंडेंस प्रोवाइड कर दिती जाती सी। Why were the Hasan's parents called to school? हसन के पेरेंट्स को स्कूल विच क्यों बुलाया गया? Hasan's parents were called because of his irregular attendance in the class. ये क्लास विच रेगुलर नहीं सी हुंदा, क्लासेस प्रॉपरली अटेंड नहीं सी करदा, तो इस करके उसके पेरेंट्स को बुलाया गया। ड्यूरिंग विच डेज वुड हसन ऑफन शो अप इन द क्लास? वे किन्ना दिनों विच हसन है क्लास विच प्रेजेंट हुंदा सी? हसन वुड ऑफन शो अप ड्यूरिंग क्लास टेस्ट एंड एग्जामीनेशन डेज। क्लास टेस्ट अते पेपरां दे दिनों विच हसन है प्रेजेंट हुंदा सी। वट वॉज हसन्स मदर प्लिया टू हिज फादर? हसन की माँ ने उसके पिता को की गुजारिश की? हसन्स मदर सैड डैट हसन्स फादर शुड स्पीक टू हसन मैन टू मैन। भी उसकी माँ ने उसके पिता को कहा भी तेनों मैन टू मैन ने हसन नाल गल करनी चाहिए है। वाई डिड द पेरेंट टीचर मीटिंग एंड फ्रूटलैसली? जी पेरेंट टीचर मीटिंग से बिना किसी सिट्टे के बिना किसी रिजल्ट के एंड क्यों हो गई? हसन्स पेरेंट्स ब्लेम्ड ईच अदर फॉर हसन्स इरेगुलरिटी इन द क्लास, सो द पेरेंट टीचर मीटिंग एंडेड फ्रूटलैसली। वही हसन दे इरेगुलर होण करके उसके पेरेंट्स आपस में एक दूजे नूं ब्लेम दे रहे सीगे, ते इस करके जिहड़ी मीटिंग है वह फ्रूटलैसली एंड हो गई। डिस्क्राइब द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ हसन वैन ही मैट हिज टीचर आफ्टर सैवरल ईयरस। जो कुछ साल बाद हसन अपनी टीचर नूं मिलिया तो उसका फिजिकल अपीयरेंस किहो जिहा सी? हसन वॉज अ मैन ऑफ 35 ईयरस प्लम्प विद अ बाल्ड हैड एंड मॉडरेटली ड्रेस्ड। तो 35 साल का सीगा, थोड़ा जहा मोटा हो गया सीगा, नाले वो गंजा भी सीगा, नाले वो मॉडरेटली ड्रेस सीगा, सिंपल जे उन्हें कपड़े पाए हुए सीगे। वट डिड द नरेटर एक्सपैक्टेड हसन टू बिकम इन हिज लाइफ? नरेटर ने की सोचा सीगा, की एक्सपैक्ट किया सीगा भी हसन अपनी लाइफ विच की बनूंगा? द नरेटर एक्सपैक्टेड दैट हसन बीइंग अ ब्राइट स्टूडेंट शुड हैव डेफिनेटली डन वैल इन लाइफ। नरेटर ने यह सोचा कि हसन जो कि एक ब्राइट स्टूडेंट सीगा ते अपनी लाइफ विच कुछ चंगा ही करूगा। हाउ डिड हसन स्टडी व्हेन ही वाज इन कॉलेज? जब कॉलेज विच हुंदा सीगा ते हसन किस तरह स्टडी करदा सीगा, पढ़ाई करदा सीगा? ही वुड स्टडी जस्ट बिफोर द एग्जाम्स, गैस द प्रोबेबल क्वेश्चन एंड स्किप द चैप्टर। वो सिर्फ पेपरों तो पहला ही पढ़ता सीगा, प्रोएबल मोस्ट एक्सपैक्टेड क्वेश्चन है उसनों गैस कर लेंदा सीगा ते पूरे चैप्टर नों स्किप कर देंदा सीगा, पूरा चैप्टर वो समझदा ही नहीं सीगा। अकॉर्डिंग टू हसन हु वर नर्ड्स? ते हसन नर्ड्स किसनों कहंदा सीगा? अकॉर्डिंग टू हसन हार्ड वर्कर्स वर नर्ड्स। ते हार्ड वर्किंग जो कि बच्चे बहुत ही पढ़ते सीगे, बहुत मेहनत करते सीगे, उन्हां नूं वो नर्ड्स कहंदा सीगा।
Why did Hassan start living separately? Hassan alag kyun rehne lag paya? Hassan's father got fed up with Hassan's bad habits, so he told him to stay separately. Hassan de father, Hassan de pita, us di maadiyan aadatan ton pareshan ho gaye sige, tayas karke unnan ne usnu alag rehne layi keh ditta. What made Hassan feel optimistic as he left the narrator's office? ते हसन ने ऑप्टिमिस्टिक आशावादी किवें फील किया जो उसने नरेटर का ऑफिस है वो लीव किया जो जा रहा है ऑफिस तो उसने आशावादी किवें फील किया. नरेटर्स एनकरेजिंग वर्ड्स मेड हसन फेल्ट ऑप्टिमिस्टिक एज ही लेफ्ट हर ऑफिस. नरेटर के हौसला अफजाई भरे शब्दों नाल उसने ऑप्टिमिस्टिक फील किया.